किशोरी से गैंगरेप, भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार, चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी शिकायत। बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने गैंगरेप की FIR दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सीतापुर मंडल का पूर्व अध्यक्ष बताया गया है। वह जनपद सदस्य का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वह हार गया। दुष्कर्म मामले में तीन अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोप है कि 18 वर्षीय युवती बीते माह घर से लापता हो गई थी। युवती अब जब घर लौटी तो बताया गया कि उसके साथ दुष्कृत हुआ है, जिस पर परिजन के साथ थाने पहुंच रविवार की रात को रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। युवती ने पुलिस को बताया कि शादी का झांसा देकर अमोखर थाना मऊगंज निवासी सुरेश पांडे एक वर्ष पूर्व से बलात्कार कर रहा था। उसने आपत्तिजनक फोटो खींच रखे थे, जिसके बाद वह आए दिन उसे धमकी देता था और उसका शारीरिक शोषण करता था। बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र की युवती के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों की माने तो भाजीमो का पूर्व मंडल अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया, साथ ही आपत्तिजनक फोटो खींचकर साल भर ब्लैकमेल करता रहा। दावा है कि सत्ताधारी दल के नेता के दबाव में FIR दर्ज नहीं की गई। थकार कर युवती ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को अवगत कराया, तब कहीं जाकर आनन फानन में FIR दर्ज की गई। इसके बाद युवती की MLC कराने के बाद भाजयुमो नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि वह मऊगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। करीब एक साल से सीतापुर मंडल का पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष सुरेश पांडे निवासी अमोखर रेप कर रहा है। महिला पुलिस अधिकारी को किशोरी ने अपने बयान में बताया कि 9 जुलाई की रात 1 बजे आरोपी भाजयुमो नेता सुरेश पांडे घर पर आया, जिसने कुछ नशीला पदार्थ खाने के लिए दबाव बनाया। खाते ही बोला कि मेरे साथ चलो वरना जान ले लूंगा। यहाँ सुरेश पांडे सहित उसके भाई राजेश उर्फ पहलू पांडे और विपिन पांडे सभी निवासी अमोखर ने दुष्कर्म किया। दूसरे दिन आरोपी भाजयुमो नेता उसे बाइक से गुजरात के सूरत ले गया, वहाँ 20 दिन तक एक कमरे में रखा। इस दौरान भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच जारी है। प्रस्तुत है SDOP मऊगंज नवीन दुबे से प्राप्त जानकारी के अंश। दिनांक 10/7/22 को एक फरियादी थाना मऊगंज में आके इन्होंने बताया कि उनकी बच्ची कहीं चली गई है, उसका पता चल नहीं रहा है। तो इस आधार पर गुम इंसान कायम किया गया। 3/8/22 को लड़की थाने पे आई और उसने बताया कि वो कुछ साथियों के साथ में चली गई थी, अपने एक साथी के साथ में चली गई थी। और इसकी तस्दीक करने के बाद में उसे न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, वहाँ पर कथन हुए और उसके बाद में उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। दूसरे दिन आके उसने अपने परिजनों के साथ में थाने पे बताया कि वो काफ़ी दबाव में थी और उसके साथ में कई सारे लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया और वो काफ़ी डरी सहमी थी, इसीलिए उसने पुलिस को अपने बयान नहीं दिए। जिस आधार पर तत्काल पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनर्कथन कराए गए और उसके बाद में माननीय न्यायालय के समक्ष उसके कथन कराए गए और इसी आधार पे थाना मऊगंज में 366, 376, 376 डी, 344, 506 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए अग्रिम विवेचना की जा रही है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल अभी तक 4 आरोपी हैं, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। बाइक से सूरत ले जाने का मामला है, इसमें बाइक से लड़की को उसके घर से रीवा तक ले जाने का मामला संज्ञान में आया है। इस आधार पर अभी बाइक को भी अग्रिम विवेचना में जब्त किया जाएगा और लड़की कहां कहां जाना बताया है उसकी चीज़ की भी तस्दीक की जा रही है, उन जगहों पे भी जाके जब्ती की जाएगी आवश्यक चीज़ों की।